हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो वाइट एग कोरमा की रेसिपी है, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। इसको आप किसी भी स्पेशल मौके पर बना सकते हैं, या अगर अपने फैमिली को ट्रीट देना चाहते हैं तो भी इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 अंडे लिए हैं, जिनको बॉईल कर लिया है। तो अब इन अंडों को हम प्रिक कर लेंगे, जिससे ये अंडे फ्राई करते वक्त चटकेंगे नहीं। सभी अंडों को हमने प्रिक कर लिया है और अब हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको हम गरम करेंगे। तो यहाँ पर जो हम 1/2 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम बाद में ग्रेवी बनाने के लिए भी करेंगे, तो इसीलिए यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। तो अब ऑयल गरम हो चुका है और इसमें मैंने ये सारे अंडे डाल दिए हैं, इनको हमें फ्राई करना है। तो इन अंडों को मैं हल्का सा गोल्डन फ्राई करूँगी। अगर आप इन्हें ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो आप इन्हें डार्क कलर का भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लाइट कलर का पसंद करते हैं तो लाइट रहने दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अंडे हल्के से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये लीजिए, इन सभी अंडों को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और अब इसी ऑयल में जो कि बच गया है हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हुए हैं, जिनको हम इस तेल में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 10 लौंग हैं, 15 काली मिर्च, 7 से 8 हरी इलायची, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 4 तेज़पत्ते हैं। तो इन सभी को हम इस गरम तेल के अंदर डाल देंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। और अब इन सभी को इस तेल में डाल देंगे। तो जो हम अंडों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक अंडे का फ्लेवर बहुत अच्छा सा तेल में आ जाता है, जो अंडे की ग्रेवी में बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब कभी भी अंडे की ग्रेवी बनाएं तो इसी तरीके से ऑयल का इस्तेमाल करें, उससे जो ग्रेवी का जायका होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, हमारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जिनको फाइन चॉप कर लिया है, और इसको हम इस ऑयल में डाल देंगे और उसको लाइट पिंक होने तक ही हम फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा गोल्डन फ्राई हमने नहीं करना है। और अगर आप प्याज का पेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, चॉप की हुई प्याज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम वाइट करी बनाने के लिए ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो वाइट ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर वाइट इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च लिए हैं और 20 काजू लिए हैं, 15 बादाम लिए हैं, जिनका कि छिलका उतार दिया है भिगोने के बाद में। तो यहाँ हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, इससे जो हमारी ग्रेवी है उसकी रिचनेस बढ़ जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर जार में डालकर, और इसमें हम थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लेंगे, और इनका एक फाइन पेस्ट रेडी करना है हमें। तो ये देखिए, इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट हमने रेडी कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है ये पेस्ट, ऐसे ही हमें चाहिए है। तो यहाँ पानी की जगह हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो अब प्याज भी हमारी हल्की सी पिंक हो चुकी है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, और इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि इनकी जो रॉ स्मेल है वो रिमूव हो जाए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून दखनी मिर्च पाउडर।
तो यहाँ अगर आपके पास दखनी मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर बनाकर। मैं दखनी मिर्च इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे इसकी ग्रेवी वाइट ही रहती है। और इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे। तो अगर आपके पास दखनी मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि इनमें जो रॉ स्मेल है वो सब रिमूव हो जाए और अच्छे से मसाले भून जाएं। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो 3/4 कप मैं यहाँ दही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको हम ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पर हम फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाई फ्लेम हम नहीं करेंगे दही डालने के बाद में, वरना तो दही फट जाएगा। तो ये देखिए, तो 2 मिनट अच्छे से मसाला भून गया है हमारा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया था ड्राई फ्रूट्स का, इसको ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स का जो ये मसाला हम इसमें डाल रहे हैं, इससे ग्रेवी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ली है कसूरी मेथी, इसको ऐड कर देंगे। इससे जो करी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 कप मलाई। तो ये फ्रेंड्स सभी के घर में होती ही है। इसको डालने से जो ये वाइट एग करी है हमारी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। तो यहाँ मैं इस मलाई को ऐड कर दूँगी इस ग्रेवी में और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेवी में 1 टीस्पून सॉल्ट और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। तो यहाँ पर मैं जो बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ वो सॉल्टेड है, इसीलिए मैंने सॉल्ट का इस्तेमाल यहाँ पर कम किया है। और इससे जो ग्रेवी का जायका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको ज़रूर डालिएगा। तो अब ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक है तो इसे पतला करने के लिए मैं इसमें 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसकी ग्रेवी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी को जैसी आपको चाहिए उतना ही आप इसमें मिल्क ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। और अब इस ग्रेवी के अंदर मैं ऐड कर दूँगी जो हमने अंडों को फ्राई किया था, उनको इसमें डाल दूँगी ग्रेवी में। और अब इसको ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं और अब हम लिड को हटाकर देखेंगे कि हमारी ग्रेवी कैसी बनी है। वाओ फ्रेंड्स, देखिए कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा क्रीमी इसकी ग्रेवी बनी है, कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका, बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो एक बार तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता ही है। वाओ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यमी हमारी ये रेसिपी बनी है एंड आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसकी वजह से आपको मेरी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।